हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में CSBC की तरफ से बिहार शराब बंदी को लेकर कानून बनाए गए थे, जिसको लेकर नई भर्तियां यहां पर शुरुआत की गई। इससे पहले 365 पदों की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई थी और उसमें भी इन लोगों का जल्द से जल्द इनकी बहाली करा के इनको रिक्रूट किया गया। अब यहाँ पे 76 पदों की और वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसे बोला गया था कि जो बैकलॉग की वैकेंसी बची हुई थी इस भर्ती की प्रक्रिया में, उसको इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे। तो मिलाकर यहाँ पे कुल बताया जा रहा था कि 130 या 131 पदों की टोटल वैकेंसी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल आपका अपडेट इतना है कि 76 पदों की ये वैकेंसी है, इसमें अभी सीट की बढ़ोतरी नहीं की गई है। दूसरा बड़ा अपडेट आया दोस्तों यहाँ पे 21 सितंबर को, जो कि आपको रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया, यानी कि 16 अक्टूबर आपका एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम को देने की प्रक्रिया है। आपका एडमिट कार्ड जो है दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो सकेगा, आप लोग चेक भी कर सकते हैं और इसका इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट भी किया था इसके लिए रिगार्डिंग। तो 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अब इसकी परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक हमने दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे मद निषेध सिपाही भर्ती को लेकर टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हमने दिया है आपको। अब ये 20 प्रैक्टिस सेट कैसे हैं, तो विथ सॉल्यूशन है, यानी कि आप वहाँ पे टेस्ट लगाइए और सॉल्यूशन देखिए उसका कि इसका आंसर सही क्या होगा और कैसे बनेगा। ये टेस्ट पोर्टल है, यहाँ पे टेस्ट आपको दिया गया है, आप लोग जाके जो है हमारे एप्लीकेशन पे इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी कैसी करनी है मैं आगे आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करूँगा इसको, लेकिन ये काम जरूर पहले कर लीजिएगा। अब आज की डेट में एक नोटिफिकेशन दे दिया गया है यहाँ पे कि आप लोगों का कुछ कारण से फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अब देखिए, ये लिस्ट ऑफ इनवैलिड कैंडिडेट है, यानी कि संख्या दी गई है इनकी यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये वो PDF है जो कि यहाँ पे डाउनलोडेड है। टोटल 2602 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है दोस्तों यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरने का है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है बट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरा ही नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या 1468 है। भाई देखिए, गलती आप लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन करके, बहुत लोग सोचते हैं कि हमने यहाँ पे फॉर्म भर दिया है अब मेरा एडमिट कार्ड आएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, ऐसे लोगों की संख्या 1468 है। एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल किया गया है बाई एप्लीकेंट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, एप्लीकेशन भी फॉर्म भर लिया, लेकिन कुछ गलती हो जाती है जिसके चलते वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या 1042 है। और कुछ ऐसे छात्र भी हैं यहाँ पे जिन्होंने एक से ज़्यादा बार फॉर्म को भर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि फॉर्म भरा है लेकिन कुछ गलती होने के चलते दोबारा फॉर्म उन्होंने भर दिया, तो ऐसे लोग भी हैं 92। कुल मिला के 2602 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये गलतियाँ की हैं जिसके चलते उनका फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब इसमें जो है आयोग पहले से आपको निर्देश दे दिया कि इतने लोग का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अब बाद में आप लोग जो है कंप्लेन नहीं कर सकें, इसलिए ऐसा अपडेट आपको यहाँ पे पहले दिया गया। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे सारा प्रक्रिया, जो रिजेक्शन लिस्ट आया है इसमें आपको अपडेट किया गया है। ये खबर ख़राब ही है आपके लिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, या फिर फोटो सिग्नेचर के चलते हुआ हो, या फिर एक से ज़्यादा बार फॉर्म भरने के चलते हुआ हो, या फिर आपके द्वारा एप्लीकेशन कैंसिल करने के चलते हुआ, ये कारण यहाँ पर बताए गए हैं। इसके नोटिफिकेशन पे थोड़ा आते हैं, और ये नोटिफिकेशन देखिए 76 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए जो आपको इसका सिलेबस दिया गया है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला जो हमारा प्रायोरिटी है वो हमारे चयन प्रक्रिया में PT को लेकर ही होता है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म तो भर ही लिया होगा, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आशा करते हैं, और जो सिलेबस दिया गया कि हमें कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो कि हमें पढ़ के जाना चाहिए, और एग्ज़ाम में हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ के अच्छे से क्लियर करते हैं। पढ़ रहे होंगे आप लोग यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन देखिए जो यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया है इसमें है लिखित परीक्षा, जहाँ पे आपको आवेदन जो किए हैं छात्र उनका लिखित परीक्षा स्तर पे होगा, ये 10वीं कक्षा के स्तर पे होगा, पहली चीज़ है ना। 100 अंकों का ये परीक्षा होगा, ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 अंक का ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा, जिसमें कि ये आपका क्वालिफाइंग चूँकि पेपर होता है, यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिए होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR आधारित ये परीक्षा ली जाएगी और ये 2 प्रतियों में होगी, जिसमें कि 1 प्रति आपका अदृश्य कार्बन होगा, OMR जो होगा, और 1 पे आपका सारा जो चीज़ है वो छपेगा, मतलब कि कार्बन कॉपी वो परिषद को जाता है, ठीक है। तो ये OMR यहाँ पे दोस्तों वैसे आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पे कोई भी इसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा OMR सीट पे, है ना, ज़्यादा कुछ चिन्ह निशान मत बनाइएगा, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाता वहीं पर अभ्यर्था आपका, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, यहाँ पर लिखित परीक्षा है, चूँकि यहाँ पर आपको क्वालिफाई करेंगे तभी आप जो है
जाएंगे पीटी के लिए। तो 10वीं कक्षा के आधार पे यहाँ पे आपका जो सिलेबस है ये हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी का सब्जेक्ट होगा, गणित का विषय होगा, सामाजिक विज्ञान होगा जिसमें कि इतिहास, भूगोल और पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन पूछे जाएंगे, विज्ञान होगा जहाँ पे आपको भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, और सामान्य ज्ञान से भी संबंधित प्रश्न होंगे, और करेंट अफेयर से भी संबंधित आपके प्रश्न होंगे। यानी कि यहाँ पे सिलेबस काफ़ी वास्ट है, यानी कि बड़ा है ना, हर एक चीज़ पढ़ना है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं विस्तारित लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इन सब के बारे में, इन सब से रिलेटेड जो है आपको टेस्ट तैयार किया है हमने, हमारे नीचे दिए गए एप्लीकेशन से जाके आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे टेस्ट को लेकर वहाँ पे टेस्ट दीजिए, ताकि आपको किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा वो सारी जानकारी वहाँ से आपको लगेगी। और उसमें जो है देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 30% लाकर पास होना है, ये टारगेट रखिएगा कि हम 30% लाके पास हुए, लेकिन क्वालिफाई करना ही यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे चूंकि लाखों छात्र अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, तो वो जो फॉर्म भरते हैं तो उनमें कट ऑफ डिसाइड होता है, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। वैसे तो क्वालिफाई हो जाएंगे बट आपको पीटी के लिए नहीं जा पाएंगे, ठीक है। कट ऑफ क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है बीच में, जो कि आपको लाना पड़ेगा। पिछली बार आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उसमें कि कट ऑफ जो है लगभग जो है 75-74 के आसपास जो है कट ऑफ गया था, तो इस बार भी टारगेट यही रखिएगा कि 75 से या 80 के बीच में जो है आपका नंबर स्कोर करना है। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है जिसमें कि आपको यहाँ पे अपना क्वालिफाइंग और अब जो कि मेरिट में आने का समय आ जाता है, तो शारीरिक दक्षता में ही आपका मेरिट का सारा चीज़ होता है, क्योंकि लिखित परीक्षा यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का होता है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव जो विज्ञापित संख्या है जो दी गई है ये इसके 5 गुना छात्रों को आमंत्रित किया जाता है। अब 76 पोस्ट है तो इसके 5 गुना छात्र यहाँ पे आमंत्रित होंगे, ठीक है। तो मान के चलिएगा कि यहाँ पे 380 या फिर 390 या 400 लोगों का यहाँ पे लगभग जो है चयन किया जाएगा पीटी के लिए लिखित परीक्षा के आधार पे, जो कि यहाँ पे द्वितीय चरण में जाएंगे और यहाँ पे आपका दौड़ होगा जो कि सबसे अधिक नंबर का होता है 50 नंबर का। फिर उसके बाद दोस्तों आपका गोला फेंक होगा जो कि 25 अंक का होता है। ये क्राइटेरिया मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है इसलिए ज़्यादा टाइम आप लोगों को लूँगा नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद दोस्तों ऊंची कूद होती है जो कि 25 नंबर का होता है। तो ये 100 नंबर का टोटल आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, पुरुष और महिला दोनों छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। उसके बाद आपका मेघा सूची तैयार किया जाएगा। मेघा सूची तैयार होने के बाद आपके शैक्षणिक योग्यता, सारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह चेक किया जाएगा और जो भी रिक्तियाँ हैं उस रिक्तियों को भरा जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारा सीट दिया गया है इन 76 पदों का, आप लोग चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे महिलाओं को 20 सीट जो है रिजर्व है जो कि यहाँ पे दिया गया है। बैकलॉग पदों की संख्या कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है 5 पोस्ट हैं टोटल जो कि बैकलॉग्स में जोड़े गए हैं, लेकिन और भी पोस्ट यहाँ पे जोड़े जाने की अपडेट आ रही थी, लगभग 131 पद होने वाले थे लेकिन अभी तक कोई इसका अपडेट नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको बताया है कि वो सारी चीज़ें जो कि आपको इस परीक्षा को लेकर तैयार रहना है, कैसे तैयारी करनी है। तो आप जाएं हमारे टेस्ट पोर्टल पे, टेस्ट देना शुरू कीजिए और इससे रिलेटेड जो है वीडियोस आप लोगों को यह YT एजुकेशन पे भी देखने को सेट मिलेगा दोस्तों जल्दी। तो अभी 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, टारगेट रखिए कि 16 अक्टूबर तक कम से कम 20-25 सीट यहाँ और 20-25 सीट आप टेस्ट पोर्टल पे जरूर बनाएंगे। तो YT एजुकेशन चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जाके। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।